बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैंने आपको बताया किस तरीके से फकीर जो है यहाँ जो जाली फकीर हैं, जो जिनको ढोंगी फकीर बोला जाता है, वो आते हैं खानदानों की सूरत में, कबीलों की सूरत में, और कितना पैसा आपसे लेकर जाते हैं सारा साल, वो भी आपको बताता हूँ। मेरे साथ नदीम जाफरी साहब मौजूद हैं। नदीम भाई, कराची के इशूज पे, पाकिस्तान के इशूज पे जुल्म ज्यादती पे आवाज बुलंद करते हैं, नुकसान भी उठाते हैं, ऐसे ही सुन ले आए फिगर देख ले। अच्छा ये भी सुन ले, वो जो फकीर आ रहे हैं सिर्फ ट्रेन में नहीं आ रहे, ये फिगर जो है ना जिसके जीरो गिन गिन के आप अभी थक जाओगे, ये जीरो नजर आ रहे हो, वो बिजनेस क्लास में आते होंगे और हो सकता है अपना जाती जहाज भी खरीद के लाते हो। कितना पैसा है नदीम भाई, अब देखिए आ जाइए। हमने अपील की थी ना, कोई दुकानदार कोई भी शख्स ढोंगी फकीरों को पैसे नहीं दे। कल हमें हनफिया ब्रोस वाले सईद भाई का फोन आया कि मैंने अपनी दुकान जो न्यू टाउन पे वहां से फकीरों का पैसा बंद कर दिया, मैं वहां गया, मैंने वीडियो बनाई। अब सुने, वो कह रहे हैं एक आम दुकानदार, उन्होंने अपना बताया कि मैं दिन का 10 रुपए देता हूं हर फकीर को, 60 फकीर आते हैं एवरेज, हमारे डेली हिसाब बनता है ना क्लोजिंग पे, तो 600 रुपए डेली के फकीरों को जाते हैं, हमने बंद कर दिए। 600 रुपए मल्टीप्लाई बाय 30 दिन, तो एक महीने में कितना पैसे जा रहा था फकीरों को? 18,000 रुपए। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12 महीने, तो कितना जा रहा था? 2,16,000 रुपए सालाना जा रहा था एक दुकान से, एक दुकान से। कराची में कम दुकानें 3.5 लाख से ज्यादा है। आइए, हमने क्या किया, 2,16,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 1.5 लाख दुकानें, इसमें कबाबजी रेस्टोरेंट भी लगा दिया मैंने, हालांकि वो तो दिन के 5,000-5,000 रुपए देते हैं, मैं जानता हूं बाद ऐसे रेस्टोरेंट है दिन के 18,000-18,000-30,000 रुपए के बकरे कटवाते हैं, मतलब उनकी तो चैरिटी अकेली महीने की 1,00,000 रुपए में, लेकिन मैं उनको भी 600 रुपए पे रख रहा हूं। ठीक है भाई, 2,16,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1.5 लाख दुकानदार कितने बने? 32 अरब 40 करोड़ रुपए सालाना ये ढोंगी फकीर आपसे ले जाते हैं सिर्फ दुकानों से। अभी मैं घरों की बात नहीं कर रहा, मैं गलियों की बात नहीं कर रहा, मैं बाजारों सिग्नलों की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। आप जिस अस्पताल के बाहर जाएं, फौज है, तुम्हारा मरीज जिंदा बच जाएगा, पैसे दो, आपने 500 दे दिया। आप जिस किसी अस्पताल के बाहर जाएं, मुख्तलिफ तरीके हैं ना, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह अलग फौज है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ दुकानदारों से कितना लेके जा रहे हैं? 32 अरब 40 करोड़ रुपए। अब मैंने कहा 32 अरब को मैं 20,000 रुपए का राशन एक सफेद पोश फैमिली के घर में डलवाना चाह रहा हूं, तो मैंने 32 अरब 40 करोड़ को डिवाइड किया 20,000 से, तो 16,20,000 राशन के पैकेट तैयार हो गए, अच्छे राशन, बड़े राशन, बड़े राशन जो मेरे जैसे घर में इस्तेमाल होंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, 16,20,000 राशनों को पूरे साल देना है ना खाना किसी को, भाई एक बंदे की तनख्वाह 40,000 रुपए, बेचारा हर महीने उसके घर में 10 दिन बाद फाके शुरू हो जाते हैं, तो पूरा साल इसको देना है जब तक महंगाई खत्म नहीं हो रही। तो मैंने 16,20,000 को 12 से डिवाइड किया, तो 1,35,000 खानदानों को खाना जा सकता है पूरे साल, 1,35,000 खानदानों को सफेद पोश। ये सिर्फ कराची की बात कर रहा हूं, अगर पूरा पाकिस्तान ये काम करेगा, हम लाखों खानदानों को हर महीने, हम नहीं, आप अपने भाई, कजन, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, बरादरी वाले, दोस्त, अहबाब, यार 9,000 का फ्यूल लग रहा है, 16,000 तनख्वाह है, जिस सिक्योरिटी गार्ड से पूछना है पूछ ले, किसी की तनख्वाह 12,000 है, किसी की 14,000, किसी की 16,000, बस का किराया कितना लग रहा है? 10,500, तभी हम फ्री बसें शुरू कर रहे हैं, जिस तरह फ्री लैब बना रहे हैं, फ्री मुर्दा खाना, फ्री कब्रिस्तान, फ्री मैयत बस, अब फ्री लैब भी हम बना रहे हैं। अब सुन लीजिए भाई, ये तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया, अगर झूठ हो तो मुझसे रब्ता कर लेना, कोई तमाम गदागरों का बाइकॉट है और सबने साथ देना है, पोस्टर भी लगाओ, हैशटैग भी चलाओ। नदीम भाई, अभी रमजान शुरू होगा, हर फल कितने गुना महंगा मिलेगा? शूट करेगा अभी कितने परसेंट? कम से कम भी 50%, 100-200% भी जाएंगे ये, क्योंकि इनको पता है, उनको पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला बेसन हो, चने हो, आटा हो, तेल के लिए होता है कि डॉलर महंगा, फल से डॉलर में क्या ताल्लुक, कोई बात नहीं, हो जाए डॉलर महंगा, हम तो सरकारी नर्ख लेकर आएंगे कि ये कमिश्नर का लिस्ट है भाई। सब्जी मंडी की जो गाड़ियां आती है, हम उसमें 1,500-1,100 रुपए का फर्क पड़ा, हम लड़ी और आप बेचते कितने के? सरकारी रेट लिस्ट होगी भाई। अब तुम्हारा कीनू इतना बड़ा है कि तुम्हारा कीनू इतना बड़ा है, अगर उसमें लिखा हुआ है कीनू 90 रुपए दर्जन और तुम बेच रहे हो 250, तो हम एक आवाज लगाएंगे कीनू का बाइकॉट। ओके, आप साथ देंगे? मैं साथ खड़ा हूँ, आपकी जितनी भी आपकी शोबिस की कम्युनिटी, हमारी फर्टिलिटी सब साथ देगी, जिस जो जो आदमी समझदार जीरू इसके अंदर इस बात को समझेगा वो सब साथ देगा। जो सरकारी नर्क होगा उससे ऊपर जो चीज बिकेगी उसका बाइकआउट होगा, कोई नहीं खरीद सकता मुर्गी 1,500 रुपए किलो, कोई नहीं खरीद सकता बकरे का गोश्त 2,800 रुपए किलो, कोई गाय का गोश्त पानी लगावा नहीं खरीद सकता भाई 1,000-1,000 रुपए किलो, जो सरकारी रेट होगा उस पर जो चीज बिकेगी, ठीक है, नहीं तो जब आवाज लगेगी तो इंशाल्लाह सब देखेंगे कैसे बाइकआउट होगा। इस वीडियो को शेयर करने की अपील करते हैं, बाइकआउट करना है और इस वीडियो को शेयर करना है, इससे हमारे वो हालात बेहतर होंगे जिनको हम अक्सर रो रहे होते हैं। अरे कुछ नहीं, हमारे हाथ नहीं, 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 मैं आपके साथ हूँ भाई, सुबह से शाम तक घूम रहा हूँ, आपका कुली हूँ मैं, मेरी तनख्वाह 27,000 है, 9,000 पेट्रोल में लग रहा है, 22,000 घर का रेंट है, ना मैं रेंट दे पा रहा हूँ ना राशन ला पा रहा हूँ, अगर आपकी जानिब से ये पैसा जो बच रहा है मेरे घर में राशन की सूरत में आप मुझे गिफ्ट कर दोगे, मैं आपको अपना मोहसिन मान लूंगा यार, और जरूरी नहीं खैरात बोल के देना भाई, गिफ्ट बोल के दे दो,
आपको सवाब उतना ही मिलेगा। इस वीडियो को शेयर करना है, अपने लोगों की मदद करनी है, सफेद पोशों की इज्जत रखनी है, उनका भरम कायम करना है। और ये मैंने सिर्फ आपको अभी एक तबके का बताया है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, रिट्वीट करें, फॉरवर्ड करें।